हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा हॉल लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट होते, दीदी आपने क्या खरीदा दिवाली पर, क्या चल रहा है। सो देखिए, बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं और इनफैक्ट वो लगती भी जा रही हैं। सो उसमें से कुछ चीज़ें बची थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। सो सबसे पहले तो मैंने ना एक बहुत काम की चीज़ मंगाई है, और ये मैंने पिछले साल भी मंगाए थे, फिर उसके बाद मैंने नहीं मंगाया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, मैंने ना पर्दे मंगवाए इस बार, और जो मैंने आपको पिछले साल नेट में पर्दे दिखाए थे ना, लीफ पैटर्न पे मंगाए थे, वो मैंने मंगाए, और इनफैक्ट ऐसे 40 के करीब मंगाए थे। सो मैंने अब कंप्लीट, कहीं कहीं रह गए थे तो कम्प्लीटली सब जगह वो हो गए हैं। सो सबसे पहले तो मंगाए हैं मैंने ये इलास्टिक सिटी वाले चेयर कवर, और मैंने पिछले साल भी ये मंगाया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। तो वैसे हमारे शेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको लगने के बाद एक बहुत बढ़िया सा लग्जरी सा लुक आ जाता है, क्योंकि उस पर लेदर का वो लगा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती वो ख़राब हो, तो वो उसके लिए मैंने ये मंगाया। और हमारी जो डाइनिंग टेबल है वो वाइट एंड मरून के कॉम्बिनेशन में है, सो उसके लिए मैंने ये चेयर के सीट कवर मंगवाए हैं। तो ये सेट ऑफ 6 आया है, और अमेज़ोन से लिया, मैं इसकी लिंक दे दूँगी। इस तरीके से इसमें इलास्टिक है, तो आप आराम से ये फिट आ जाता है, बहुत सही है ये, और इजी टू मेंटेन है, आप इसे आराम से मशीन वॉश कर लीजिए, और ये बहुत ही बढ़िया कपड़ा, स्ट्रेचेबल कपड़ा है एक तरीके से। तो ये 6 का सेट आया, ये मैंने मंगाया, ये पता नहीं क्यों गोल्डन सा दिख रहा है, गोल्डन नहीं, ये कलर है, ये जो आप देख रहे हैं यही कलर है ये। तो ये मैंने, चूँकि सेट ऑफ 6 में ही आता है ये, और 4 में भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है, बट चूँकि हमारे डाइनिंग टेबल पर 6 लगते हैं, 6 चेयर हैं उस पर, तो उसके लिए मैंने ये मंगाए। तो ये मैंने इस तरीके से मंगाया, और ये ऐसा 1000-1200 के अंदर आपको मिल जाएंगे। मीशो पर भी मिल जाते हैं, बट मीशो पर कभी कभी रिटर्न बड़ा, मतलब बहुत प्रॉब्लम करता है, तो आजकल मैं मीशो को बड़ा अवॉइड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कुछ रनर मंगाए हैं, और मेरे पास ब्राइट कलर में बहुत सारे रनर हो गए थे, तो मुझे चाहिए थे कुछ सिंपल से एंड ऐसे कलर जो हर जगह चल जाए, तो मैंने लिया ये वाला रनर, और ये मैंने सेट ऑफ 3 लिए हुए हैं, बहुत सुंदर हैं, ये कॉटन के हैं, और आप अपने एवरी डे में यूज़ कर लीजिए, ऐसा नहीं है मिक्स एंड मैच करके, अपने फेस्टिवल पे भी यूज़ कर सकते हैं। इनका पैटर्न बहुत प्यारा था, ग्रे एंड वाइट में, तो ये मैंने इस तरीके से मंगवाया है, और ऐसे मैंने 3 मंगवाए हैं ये। तो ये भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाए हैं, और ये साइज 250 या 300 का था, मुझे ठीक से रेट नहीं याद आ रहा इसका, और ये ग्रे कलर बहुत डार्क लग रहा है, शायद लाइट की वजह से, बट ये बड़ा लाइट सा ग्रे कलर है, काफ़ी अच्छा था ये, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। तो ये मैंने जो है वो 3 का सेट मंगवाया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, उसके बाद मैंने मंगवाए हैं कुशन कवर, और इसमें से एक जो कुशन कवर ना मैंने मीशो से भी मंगवाए हैं, तो जिसका लिंक मुझे मिल जाएगा ना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये विशेष मैंने अपने बेडरूम के लिए मंगवाए, क्योंकि मेरे बेडरूम में 3 साइज़ के कुशन हैं, तो एक 40x40 है, एक 60x60, एक 12x12 है, तो इस तरीके से। तो ये 2 तो मैंने बड़े मंगवाए हैं, और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये एक्चुअली मैंने फेस्टिवल के पर्पज़ से मंगवाए हैं, एवरीडे के लिए तो ये नहीं है, इसमें ना इस तरीके से है थ्रेड। सो इसका कलर जो है, चूँकि वाइट गोल्डन है, और मेरे बेडरूम की थीम ज़्यादातर ऑलमोस्ट वाइट ही है, सो वाइट मुझे ज़्यादा पसंद आता है, चूँकि उससे रूम थोड़ा सा ऐसा बड़ा बड़ा सा दिखाई देता है इस वजह से। सो ये मैंने सेट ऑफ 2 में मंगाया, चूँकि मेरे बेडरूम में 2 ही हैं ये वाले कुशन, तो ये मैंने मंगाया, बहुत प्यारा लग रहा है, आप लेना चाहें ना बिल्कुल ले सकते हैं, ये बहुत सुंदर पीस है, बहुत प्यारा है, और इसमें इस तरीके से ज़िप है। अब मुझे, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया कि ये मशीन वॉश है या हैंड वॉश है, सो खैर चलिए 2 ही हैं, हो ही जाएगा, चाहे मशीन वॉश हो चाहे हैंड वॉश हो, कर ही लेंगे। और उसके बाद मैंने 2 कवर और मंगवाए हैं, ये भी कुशन कवर ही हैं, और ये उससे छोटे साइज़ के हैं, ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इनकी फ्रिल टाइप का पैटर्न है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है, काफ़ी लग्जरी लुक देता है आपके बेड को। तो चूँकि मेरा बेड फ्लोर पे लगा हुआ है, तो ये देखें इस टाइप का इसका जो है वो पैटर्न है, फ्रिल पैटर्न पे है, ये प्योर कॉटन के हैं, ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छा है, आई लाइक इट, ये मुझे बहुत पसंद आया, और इसकी जिप वगैरह भी ना सब बहुत अच्छी है। तो ये भी मैंने सेट ऑफ 2 में मंगाया था, मैंने आपको बताया था मेरे बेडरूम में चूँकि 2 ही रखे हैं, तो ये वाले भी 2 ही है, और वो जो एकदम छोटे वाले होते हैं ना, वो मेरे पास 5 हैं, तो उनके लिए मैं ऑनलाइन नहीं मंगाया मैंने, मैं उन्हें ऑफलाइन खरीदूंगी, मतलब मैं अमीनाबाद जाऊंगी ना, तो वहाँ से फिर मैं लेके आऊँगी। अच्छा, उसके बाद 2 कुशन कवर मैंने और मंगाए हैं,
क्योंकि ये जब बेडशीट चेंज होती है तो मैं उसी समय चेंज करती हूँ। और ये बड़े साइज़ के हैं और ये प्लेन हैं, ये मैंने एवरीडे के लिए मंगाए हैं। सो ये सिंपल प्लेन कॉटन के हैं, एकदम प्लेन है, इसमें कुछ नहीं है। आपको अगर ऐसे नहीं पसंद आते तो आप इसमें लेस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अपने बेड का लुक भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को वॉच करिएगा। सो ये कॉटन में है और ये एवरीडे में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, आप इन्हें आराम से बिछा के लेट जाइए, बिछा के मतलब पीछे टेक लगा के तो इस तरीके से आप ये ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने होम सेंटर से कुछ पिलो ख़रीदे थे, जिसमें से मैंने ज़्यादातर पिलो तो लगा दिए। कितने लगा दिए वो मैं बताऊँ आपको, 6 लिए थे हमने, तो 2 हमने, एक मेरे हस्बैंड के पास पहले से था, ऑर्थोपेडिक थे ये, तो जो हस्बैंड वाला था वो एक सिंगल था, फिर मैंने 6 का सेट ख़रीदा, तो 4 मैंने नीचे जो मेरे 2 गेस्ट रूम है उनमें रख दिए और एक पिलो मैंने ले लिया और उसका एक पिलो मैंने कार में भी रख दिया, क्योंकि मुझे कार में बहुत ज़रूरत लग रही थी। तो इस टाइप का ये पिलो है, ये ऑर्थोपेडिक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद 2000 रुपये का पेयर आया था या 2500 का पेयर था, ये 2000 से ना 2500 के अंदर का पेयर था, मुझे याद नहीं आ रहा। सो मैंने इसके 3 पेयर ख़रीदे थे, एक मैंने इसका रख लिया पिलो और एक मैंने इसका सेम रख दिया है कार की बैक सीट पर, और 2 जो थे वो मैंने गेस्ट रूम में पहुंचा दिए। और चूँकि हस्बैंड के पास ऑलरेडी एक था और उनका ज़्यादा अच्छा है, उनका इससे बहुत अच्छी क्वालिटी में, उनका सिंगल जो है वो पिलो आया था शायद 4000 का, 4500 का जो है वो पिलो आया था। अच्छा, इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ख़रीदी है, आप अगर लेना चाहें ना तो ले सकते हैं, चूँकि इतने अच्छे पिलो होते हैं, वो फिर गंदे होते तो बुरा लगता, तो इसके लिए मैंने इसे ना एक वाटर प्रूफ जो है वो कवर का सेट ख़रीदा है। और ये मैंने सेट ऑफ 3 मंगाए थे, ये देखें इस टाइप का है ये, और मैं इसे बिछा चुकी हूँ, यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, और सारा गंदा यही होता है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये ना यहाँ पे कुछ है, मतलब आपका जो भी डस्ट वगैरह है या ऑयल वगैरह है बालों में, वो आपके पिलो पर नहीं लगेगा। और ये वॉशेबल है, थोड़े से एक्सपेंसिव पड़े ये मुझे, इसमें से जिप लगी हुई है, आप तकिया रख के इसे बंद कर दीजिए, और आपको ये गंदा भी लग रहा हो क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ तो ये ना आप पहले तकिए के ऊपर चढ़ा दीजिए। एक तरीके से ये जैसे हमारे मैट्रस पिलो कवर होते हैं, उसी तरीके से ये पिलो कवर हैं, तो आप इनमें अगर अपने पिलो को रख देते हैं, क्योंकि इस टाइप के पिलो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं तो रोज़ तो नहीं चेंज किया जा सकता ना, तो आप इन्हें चढ़ा दीजिए ना, तो आपके पिलो एकदम सेफ हो जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलते हैं इस टाइप के पिलो। तो गेस्ट रूम में विशेषकर मैंने इसको लगा दिया है, इसलिए कि वहाँ पर हर टाइप के लोग आते हैं, तो वहाँ मैंने लगा दिया है। और जो हमारा पिलो है उसको भी कवर था, बट ये मैंने मंगाया और ये एक ही कलर में आता है, तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, और आप चाहें तो उसको ऐसे भी सर्च करिएगा, पिलो कवर करके सर्च करेंगे ना, माइक्रोफाइबर और वॉशेबल, तो इस तरीके से आ जाएंगे, वाटर प्रूफ करके सर्च करेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिए हैं 2 डोरमेट, और जिसमें से एक डोरमेट मैं बिछा भी चुकी हूँ, इस साल मैंने यही 2 लिए। इसका पैटर्न बहुत प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर कलर लग रहा है, क्योंकि मैंने ड्राइंग रूम में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो मैं आपके साथ मे भी दिवाली स्पेशल ड्राइंग रूम का लुक अगर कहेंगे आप लोग तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये जो है मैंने 2 मंगाए थे ड्राइंग रूम के लिए। सो ड्राइंग रूम का कलर इस समय वाइट ग्रीन हो गया है, सो ये वाइट चूँकि नेट के पर्दे लग गए हुए हैं, तो ये और ये मैंने अब उसके लिए मंगाया, चूँकि फ्लोर पे हम लोगों ने घास बिछा दी है जो बहुत प्यारी लग रही है, तो ये मैंने जो है वो इस टाइप के सेम 2 मंगाए थे, एक मैंने लगा दिया है, एक अभी ये ऊपर बचा है, इसको मुझे नीचे लेके जाना है चूँकि मुझे आप लोगों को दिखाना था। सो ये इस तरीके का है और बहुत अच्छा है, वुलन टाइप में है ये कुछ, और ये स्लिप नहीं करेगा, एंटी स्लिप है तो ये स्लिप नहीं करेगा, तो इस वजह से मैंने इसे मंगाया। बस हाँ, ये हो सकता है कि ये मशीन वॉश ना हो, इसे हैंड वॉश करना पड़े। अच्छा, उसके बाद मैंने एक छोटा सा आइटम मंगाया था रंगोली के पर्पस से, तो मैं आपको दिखाई देती हूँ, और ये 165 का आया है, इसे मैंने मीशो से ही ख़रीदा है। तो इस तरीके का मेटल का ये एक है दिया टाइप का, तो आप यहाँ पानी भर के इसमें फ्लास वगैरह डाल दीजिए, साइड में दी लगा लीजिए, या आप इसे रंगोली के बीच में रख लीजिए, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये ठीक है, प्राइस वाइज ये ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊँ ये 100 रुपये से ऊपर का आइटम नहीं है, बट ऑनलाइन आया तो 150 रुपये में भी कोई बुरा नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। सो ये गोल्डन मेटल में है, पीतल का नहीं है, ये पीतल का ही नहीं है, तो आप इसे ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ख़रीदे कुशन कवर, सॉरी सोफ़ा कवर। तो ये मैंने, चूँकि हाँ, जिन लोगों ने हमारे ड्राइंग रूम की वीडियो देखी उन्हें पता होगा
कि हमारे ड्राइंग रूम में डबल सोफे पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से मुझे दो पेयर लेने थे, तो मैंने ये सोफ़ा कवर ख़रीदा है, और जो कि मुझे बहुत पसंद आया। वाइट कलर चूँकि सब पर चल जाता है, और ब्लू ये जो है ना, ये हमारे ड्राइंग रूम की वॉल पर है ये कलर, तो इसलिए मैंने ये वाला सोफ़ा कवर ख़रीदा। और ये मैंने सेट ऑफ टू लिए हैं, मतलब 5 सीटर के दो सेट लिए हैं, तो ये 10 सोफ़े पे आराम से आ जाते हैं। और ये मैंने, बताऊँ मैं कहाँ से लिए, ये वाला जो सोफ़ा कवर है वो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है, इसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव है, सो मैंने लोकल मार्केट से लिए, मुझे वहाँ से बहुत अच्छे लग रहे थे। क्विल्ट पैटर्न पर हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, और इस पर ऐसा है, और यहाँ पे इस पर एक कट वर्क बना हुआ है, तो इस टाइप की डिज़ाइन है। और इसका मैं आपको दूसरा पेयर भी दिखाती हूँ, क्योंकि अभी तो ये लगे नहीं है, तो इसीलिए मैं ले आई कि मैं एक बार लगा दूँ ना, फिर वीडियो बनाऊँगी। एक बार लग जाएंगे ना तो फिर वीडियो नहीं बन पाती, तो इसको लगा के मैं ड्राइंग रूम का लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे 10 वो हैं, 1 सीटर और 1 ये है, तो सेट ऑफ 2 में मैंने लिया है। तो इस तरीके से दिवाली की कुछ शॉपिंग चल रही है, और आप सब जानते हैं कि अब जैसे मैं जिस फेज़ में हूँ ना, तो काम थोड़े से स्लो हो गए, बहुत तेज़ी तेज़ी से नहीं हो पा रहे, तो धीरे धीरे हो रहे हैं, चल रहे हैं काम, रनिंग में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ दिवाली स्पेशल ये शॉपिंग वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।